आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बनने वाला बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसे सूजी के अप्पे भी कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत कम ऑयल में बनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सूजी के अप्पे को हमने और हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है। आपके बच्चे जो सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं वो सारी सब्जियां आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने सीजनल सब्जियां ली है, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, बॉयल किए हुए मटर, हरा धनिया काफ़ी सारी मात्रा में लिया है मैंने, और कुछ कड़ी पत्ते मैंने बारीक कट करके भी लिए हैं। मटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लिया है। तो बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसे हमने बहुत ही कम ऑयल में बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है, तो 2 कप मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है। इसमें 1 कप हम दही डालेंगे। सूजी का 1/2 मैंने दही लिया है, ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं है। इसे हम मिला देंगे। इस बैटर को हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। कम से कम 20 मिनट करीब लगेंगे सूजी को फूलने में, तो हम पानी डालकर इसे थोड़ा सा स्मूथी फेंट लेंगे। इस तरह से मैंने सूजी का बैटर रेडी कर लिया है। अभी ये काफ़ी थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं एक तरफ 20 मिनट के लिए। करीब 20 मिनट के बाद सूजी अच्छे से फूल गई है, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो यहीं पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक डाल के मैंने इसे थोड़ा सा मिला दिया है। अब हम इसमें सब्जियां सारी ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1। गाजर को मैंने बारीक कट करके लिया है। 1 मीडियम साइज़ का गाजर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च मैंने बारीक कटा हुआ इसमें डाल दिया है। 1 प्याज मध्यम आकार का, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके डाला है। तीन टेबल स्पून के करीब हरे मटर के दाने, इसे मैंने बॉयल करके यूज़ किया है। हरी मिर्च 2 ली है मैंने बारीक कटी हुई। हरा धनिया 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। एक टीस्पून मैं ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पर डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स यहाँ पर डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है मुझे अभी भी, तो मैंने 1/4 कप पानी इसमें और डाल के मिला दिया है। इस तरह का बैटर हमें चाहिए जिस तरह का हम इडली बनाने के लिए बैटर बनाते हैं जनरली। एक एक बूंद हम अप्पा मेकर में डाल देंगे, इसमें ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं होता है, एक एक ड्रॉप इसमें काफ़ी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और इसे लाइक करना ना भूलें। बैटर हमारा रेडी है, इसमें से मैं थोड़ा बैटर निकाल के अलग रख रही हूँ। जितने बैटर के अप्पे हमें बनाने हैं उसी में हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। आप चाहें तो इनो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल के मिला दिया है। जितना बैटर के अप्पे आप बनाएं उसी में ही आप बेकिंग सोडा डालें। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें बैटर आ जाता है। तो अप्पम मेकर के सारे मोल्ड हम भर देंगे। सारे
सारे मोल्ड फिल करने के बाद हम इसे गैस पर रख देंगे। तो पहले मैंने 1 मिनट के लिए इसे फुल फ्लेम पे रखा है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में एक तरफ से अप्पे अच्छी तरह से सिक जाते हैं गोल्डन ब्राउन होकर। 2 से 3 मिनट के बाद हम इन्हें एक बार चेक करेंगे। अगर ये प्रॉपरली नीचे से गोल्डन हो गए हैं तो इन्हें हम दूसरी तरफ से सिकने के लिए रख देंगे। तो अब ये अच्छे से एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होकर सिक गए हैं, दूसरी तरफ से भी हम इसे 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे। आप देख सकते हैं अप्पे कितने बढ़िया फूल गए हैं। बच्चों को शेप की वजह से ये बहुत ही पसंद आते हैं और इसमें भरी हुई सब्जियाँ बच्चे आराम से खा लेते हैं। बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में या फिर शाम के टाइम पर स्नैक्स में दे सकते हैं। अप्पे दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से आप सारे अप्पे बना लें और इसे एक प्लेट में हम सर्व कर देंगे। इसे टोमेटो केचप या फिर क्रीम चटनी के साथ या फिर सेजवान चटनी के साथ भी खा सकते हैं। सूजी से बनने वाले अप्पे की रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, आपके फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।